हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। डेफिनेशन। वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया विच डेवलप्स 48 आवर्स और लोंगर आफ्टर मैकेनिकल वेंटिलेशन विच इज़ गिवन बाय एंडोट्रेकियल ट्यूब वेप रिजल्ट्स फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग पेरेन्काइमा बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंडोट्रेकियल ट्यूब के इंसर्ट करने के 48 आवर्स के बाद अगर इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो हम उसे कंसिडर करेंगे, डैट इज़ वो है वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस, ओल्ड एज अगर है, इम्यूनोसप्रेशन, माल न्यूट्रिशन, बॉडी पोजिशन, सिडेशन, एंड डिवाइस रिलेटेड। डिवाइस रिलेटेड मीन्स एंडोट्रेकियल ट्यूब, NPA, OPA, प्रोलोंग्ड इंट्यूबेशन एंड नंबर ऑफ इंट्यूबेशंस। हेल्थ केयर वर्कर रिलेटेड, प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, अप्रोप्रिएट PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ अच्छे से नहीं किया गया है तो वो भी इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। फेल्स टू फॉलो बेसिक स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ऑल दिस कैन बी रिस्क फैक्टर्स। कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इज सूडोमोनास। पैथोजेनेसिस क्या रहेगी? जो बैक्टीरिया है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करेगा वाय एस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डायरेक्ट इनोकुलेशन एक रीजन हो सकता है एंड इनहेलेशन ऑफ बैक्टीरिया। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या यूज़ करेंगे? प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, ओरल केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। अगर बेड रिडन पेशेंट है उसका जो हेड है बेड का वो एलिवेटेड हो, सक्शनिंग एंड फीडिंग अच्छे से हो, डेली सेडेशन वैकेशन एंड डेली असेसमेंट ऑफ रेडीनेस टू वेन, ऑल दिस कैन बी प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। थैंक यू।